अब बताइए दोस्तों, ये लोग बाबू लोग रविदास की पूजा के लिए चंदा मांग रहा है और मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ आया था। काहे भाग रहा है बाबू लोग? देखिए ये लोग का रस्सी है, हम चंदा देंगे, थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। अरे हम यूट्यूब पे वीडियो सुनो ना, हम अरे पहले बात सुनो, अरे बना रहे पहले बात सुनो ना, अरे सुनो ना, इधर इधर आओ, काम सुनो ना। ओके सब दोस्तों, अरे वीडियो बनाने का मकसद कुछ और था, आप लोग चंदा मांग रहे बहुत अच्छी बात है, तो हम वीडियो अब बताइए। अच्छा यहाँ चंदा मांग रहे थे ना आप? हम यहाँ पर अच्छा क्या कर रहे? कष्ट के लोग हैं, हम आ रहे थे यहाँ पर खेत घूमने। बाबा इधर इधर आओ, अच्छा अच्छा यहाँ कुछ लोग अब चंदा मांग रहे थे। मांग रहे हैं चंदा, काहे लिए मांग रहे थे? रविदास जयंती मना रहे हैं। रविदास जयंती मना रहे तो काहे भागा है लोग? हम कुछ पीट रहे हैं आपको, क्या कुछ बोले हैं? हम लोग डर कर भाग रहे हैं कि वीडियो बनाकर कहीं पुलिस वुलिस को ना देते। नहीं पुलिस को नहीं देंगे, आप चंदा मांग रहे हैं पूजा के लिए, बहुत अच्छी बात है। बस यही हम पूछना चाह रहे थे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ यस करते हैं। बहुत अच्छा, वही बात है, हम आपको चंदा देंगे आप पूजा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इधर आइए बाबू, आइए आइए, कोई शर्माने वाली बात थोड़ा ना है। जी आपका क्या नाम है? नाम नीतीश कुमार। तो दोस्तों चंदा बाबू लोग मांग रहा था तो हम चंदा देने के लिए तैयार है। नहीं बाबू लोग पूछे पढ़ाई करते हो, यही ना पूछे आपसे? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करती हो, कौन से क्लास में हो? सेवेंथ क्लास में है बाबू, और किस विद्यालय से हो? उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर्णपुरा से। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कर्णपुर, यही है ना जी? हाँ, बगल में, हाँ, बगल में। यहाँ रोज क्लास जाते हो? हाँ रोज जाते हैं। आज स्कूल था? स्कूल था लेकिन स्कूल नहीं गए, बुन्नी वजह से गए थे। जाना चाहिए कि नहीं स्कूल में? जाना चाहिए। और मान ले स्कूल से आके आपको चंदा लेना चाहिए था बाबू? अच्छा ये रास्ते पे जो गाड़ी रखवा के इस तरीके से मांग रहे हो, सही है? अच्छा ये बताओ सही है? नहीं सही नहीं है। अगर कोई कोई एक घाव लग जाएगा, चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर मान लीजिए रस्सी से उचित नहीं है, लेकिन आप लोग मांगिए चंदा हम आपको देंगे। लेकिन कहने का मतलब आप लोग शिक्षा भी ग्रहण कीजिए अच्छे से, और भगवान भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ, उसी ने संविधान लिखा, नीच जाति को रहने की अनुमति दी, संविधान भी लिखे। नहीं देखिए छोटे कास्ट के लिए वो एक मसीहा है, उनके जानते हैं उनका संघर्ष क्या है, एक छोटे जाति को मतलब उठा, जो जाति था उसे नीचे था, पानी नहीं पीने देते थे, छुआछूत भेदभाव भी था, इसलिए उसने यह जगाया, संविधान बनाया। संविधान बनाया कि सब लोग एक समान हो, एक जैसे रहो, और अपना मतलब कि विचार, चाहे इंसान 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 होता है, और भेदभाव ना हो समाज में, सबको एक समान शिक्षा, एक समान मतलब कि रोजगार का अवसर मिले, ये बात को मानते हो ना? हाँ मानते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो कैसे बनिएगा बाबा साहब अम्बेडकर? हाँ तो पढ़ेंगे भी, रविदास जी बोले थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो बोले थे तो आप लोग तो मन चंगा कैसे होगा जब तक शिक्षा नहीं ग्रहण? हाँ तो फिर भी तुम्हारे साथ तो फिर मान लीजिए लोग अगर तुमको बोलेंगे कुछ, मान लो कुछ उल्टा शब्द बोलेंगे, चाहे कुछ ऐसी बात बोलेंगे, जब कानून और संविधान पढ़े रहोगे तब में ना पढ़े रहोगे तो कैसे आवाज उठाओगे? नहीं पढ़े रहेंगे तो कोई मार और कर चले ना जाएगा, चल जाएगा, मार के चला जाएगा, बोल कर चला जाएगा, चल जाएगा ना। तो शिक्षा जरूरी है कि नहीं? हाँ शिक्षा जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू का, अभी बगल में ये सब बाबू लोग हैं तो चंदा मांग रहा था दोस्तों, हम चंदा देने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं आप लोग चंदा लीजिए, ठीक है? भीम जी बोले थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो कैसे दहाड़िएगा जब तक ग्रहण नहीं कीजिएगा शिक्षा? शिक्षा पीजिएगा, गाय ग्रहण कीजिएगा तभी ना। शिक्षा ऐसा चीज है दोस्तों कि किसी से कोई छीन नहीं सकता है। बाबू सेवेंथ क्लास में नाम बताया क्या? अभी मेरे साथ कुछ दोस्त भाई है, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आपका क्या नाम है? अंश बाबू। क्या कर रहे हैं यहाँ? पर्ची कटा रहे हैं। किस चीज का? रविदास जयंती। रविदास। अच्छा भीमराव अम्बेडकर बारे में जानते हैं आप लोग? बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब कौन है? कौन है हमारे देश के महान है, और कौन है बाबा साहब? महान है मतलब कौन है, कौन व्यक्ति है, उनका क्या दायित्व है? संविधान लिखे, संविधान लिखे हैं, संविधान लिखे हैं। तो इस चीज को हम पूछ रहे हैं, कोई गलत बात बता रहे हैं? प्रचार हो रहा है ना बाबा साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में क्या योगदान है, और उनके जैसा आप लोगों को बनना चाहिए कि नहीं? यस बिल्कुल बनना चाहिए ना। तो बाबा साहब का विचारों को आप जानते हैं? नहीं आप जानते हैं?
तो जानना चाहिए ना। अच्छा विद्यालय जानते जाते हैं आप लोग? आप लोग जाते कौन से क्लास में? एट क्लास में है। तो बाबा साहब का तीन अच्छा विचार हमको बता सकते हैं आप लोग? यस हम बता सकते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और शिक्षा एक ऐसा चीज है, शेरनी का दूध है। बाबा साहब बोले क्या डायलॉग क्या है उनका, मतलब कथन क्या है पता है? क्या बोले थे कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ेगा। तो आप लोग हर रोज स्कूल जाते हैं आप लोग? जाते हैं जी, रोज जाते हैं। पर क्या है ना सर, अब पढ़ाई ही नहीं होता है। आखिर काहे नहीं होता है, आप शिक्षित नहीं है तभी ना? नहीं सर, शिक्षित हैं। आपको मेरे जैसा मैजिक ड्राइवर बनना है? नहीं, बाबा साहब जैसा संघर्ष करना है ना। तो बोलिए गर्व से, और आप लोग नर्वस ना होइए। आप रोज स्कूल जाते हैं जी? जी। आपके क्लास टीचर का क्या नाम है? अनिल दिग्विजय। क्लास टीचर एक ही होते हैं? क्लास टीचर दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी क्लास टीचर हैं। और पहला सब्जेक्ट में क्या है आपका? हिंदी। हिंदी है। अच्छा सबको स्कूल जाना चाहिए ना? अब सब लोग जाते हैं? हाँ। डेली का होमवर्क कर लेते आप लोग? तो दोस्तों यहाँ आए थे बाबू लोग, चंदा काट रहे थे रविदास पूजा का, तो हमने दिया 21 रुपया दिया। और आगे भी बच्चे कुछ रोड पे रस्सी छेद के मांग रहे थे, तो हमने वहाँ भी चंदा दिया। और जहाँ भी दे रहा हूँ बस शिक्षा को जागरूक करने के लिए, शिक्षा से रिलेटेड कुछ दो चार शब्द बात कर लेता हूँ। बाबू बोला क्या नाम बताया बाबू अपने? आशीष कुमार जी। और इनसे थोड़ी बहुत बात की, बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से। अभी मैं जगह कौन सा है? ओयरचक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा लोगों से मिलके, और चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में दोस्तों, मिलते हैं।